संत तू अब आगे कहाँ जाना है? वहीं की लोकेशन बता रही है, वहीं कहीं होगी उर्मिला। देखिए लोकेशन लोकेशन यहीं का बताना है। आप एक काम कीजिए, आप लोग वहाँ देखिए, हम यहाँ देखें, ठीक है? और संभाल के, आप संभाल। हाँ हाँ, अभी मैडम ख्याल रखिए। देख मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बता दे हार्ड डिस्क कहाँ है? अरे माला नहीं, रुको, मैं ना तुम लोग को खरा खरा बताती कि इधर चल क्या रहा है। ये ना राज की बात है, इधर इधर ये जो पूरा पुलिस थाना है ना, इधर सीता और गीता चल रहा है। हाँ सच्ची बता रही है मैं तो, इसके लिए जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना वो सच है ही नहीं, और जो सच है ना वो तुम लोग को कभी दिखाई नहीं देख मिल सकता ना, तो इसके लिए मैं तुम लोग को सच्ची सच्ची खरा खरा जानते हैं। तुम लोग एकदम गलत आदमी को उठा के लाए, मेरे को जाने दो, मैं तुम्हारे कुछ काम की नहीं, मेरे को नहीं मालूम तेरा मैं डिस्क विस्क किधर रखेला रे, फिर कभी पता करने नहीं देंगे ना। मार मार जो, नहीं 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 उड़ा दूंगा खोपड़ी। तो मैडम सर का ब्रेसलेट है जो हमने उर्मिला को दिया था, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। बताओ बताओ कौन है सबके पीछे, किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो तुम, बताओ। देख मैं अभी बता रही हूँ, मैंने जिंदगी में अभी तक कुछ देखा भी किधर है। आप में से क्या है? अभी मेरे को शादी करने का है, बच्चा करने का है, मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग होने का बाकी है। अगर उसके पहले ही मैं सूखी सूखी मर गई ना, इस पूरे थाने में तुम्हारे तड़पती चुड़ैल बन के घूमेगी, मैं बता रही हूँ। तुम देखो करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है,
ऐसी मस्त फर्स्ट क्लास एक्टिंग की ली मैं। वो गुंडे लोग को एक सेकंड के लिए भी मालूम नहीं गिरा कि मैं हसीना मलिक नहीं है। वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे ये गजब के अभिनय के लिए तुम्हारा तारीफ करे या फिर तुमको देखकर ना जो रोज हसीना मैडम की याद हमारा दिल चीरती है उसको संभाले। अरे छोड़ना रे चटक चांदनी, काहे के लिए खालू पीली उस हुस्की बम, काहे के लिए उस हुस्की बम के पीछे तू अटके लिए। अरे जो गुजर गए वो गुजर गए, जिंदगी में भूल जाने का, खुश रहने का, मस्त रहने का। दिक्कत ये है ना उर्मिला मात्रे कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि हसीना मैडम हमारे लिए क्या थी। मतलब उनका स्थान हमारे जीवन में, हमारे मन में उनके लिए भावना, वो मयार, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारी जैसी बेअक्कल, भावनाओं से कोरी और स्वार्थी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। तुमको जो ये 2000 रुपए मिलते हैं तुमको क्या लगता है क्या वो पेड़ से गिर कर आते हैं? हम सब इकट्ठा करते हैं 500-500 रुपए लेके तब जाके तुमको दे पाते हैं हम 2000 रुपए। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने हसीना मैडम का जान लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। ये प्यार था हमारे मन में हसीना मैडम के लिए, हम सबके मन में। तुम कुछ भी बकैती कर देती हो, आज के बाद एक शब्द भी बोलोगी ना हसीना मैडम के लिए, सोच समझ कर बोलना, 100 बार सोचना, क्योंकि अभी क्या हमारा ठंडा है, ये खनक गया ना तो सब खनक जाएगा। आप इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना अपनापन, और हम क्या कर रहे हैं? छानबीन कर रहे हैं, आप पर शक कर रहे हैं। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपके प्यार की और इज्जत के लायक नहीं है, हम आप जैसी दोस्त डिजर्व ही नहीं करते। अभी वो जो भी है वो सब मेरे को नहीं मालूम, पर मैं ये खाली ये 2000 रुपए के लिए मैं अपना जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकती हूँ। सुन के लो तुम लोग, हेलो, चोरी हो गया, चोरी हो गया। अरे एक मिनट मैडम, आपका आवाज एकदम अस्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, थोड़ा धीरे बोलेंगी आप? क्या हुआ चीते? चोरी हुआ है मैडम। हाँ, अरे बताइए तो सही कहाँ पे चोरी हुआ है, कहाँ से बोल रही हैं आप? तब ना आएंगे हम लोग। अच्छा उनको बोलो हम आते हैं। नहीं आप रुकिए, हम और संतु जाते हैं। नहीं पुष्पा जी, आप यहाँ पे रुकिए, मैं और चीता जाकर आते हैं। चीते चल। और तुम आ थोड़ा रोना बंद करो। अरे पुलिस आई है ना, पकड़ेगी चोर को। अरे कैसे पकड़ ले, किसको पकड़ना है, किस लिए पकड़ना है बताइएगा, तब ना पकड़ेंगे कि हवा में पकड़ ले। कलुआ चोरी हुआ है हमारे घर से। अच्छा कलुआ, का नाम था, पूरा नाम बताइए। कलुआ, फिर का? कलुआ नहीं, कलेवा, कलेवा चोरी हुआ है। कलेवा का होता है संतोष जी? कलेवा का होता है। आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया हमको, है संतोष जी? कुछ नहीं, मोबाइल। हमारी तो 2 महीने पहले शादी हुई है, पता है आपको? ससुराल में लड़कियों के ज्यादा खाना खाए तो पता है लोग क्या कहते हैं? हाय हाय, कैसे बहू चटोरी आई है, घर का नाम खराब ना हो इसीलिए लड़की के घर के मैके से ना कलेवा आता है जिसमें लड़की के मन पसंद की चीजें होती है। पता है क्या क्या होता है? बता दो तेवर जी। जी उसे पता होती, गुजिया, नमकीन, मटरी, देसी घी के लड्डू जो हम लोग खा सकते हैं, उसी को कहते हैं कलेवा, पता है आपको? बस वही चोरी हुआ है हमारे घर के अंदर वाले कमरे से। समझ में नहीं आ रहा किसने चोरी की होगी, वहाँ तो सब अपने। अच्छा इसका मतलब है कि आपके घर से खाली खाने पीने का चीज चोरी हो रहा है ना? खाने की चीज नहीं होती है कलेवा, उसमें घर का प्यार होता है, उसमें माँ के हाथों का स्पर्श होता है, बहुत ही भावनात्मक महत्व होता है एक लड़की के लिए उसके घर से आया हुआ कलेवा। आप बस हमारी रपट लिखिए तो लिखिए। भाभी हमारे विचार से हमारे घर का मामला है, घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। मेरी राय से इस बार जाने देते हैं, अगली बार कुछ हुआ तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसा करते हैं ना, आपकी बार रहने देते, अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हम खुद ही आ जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने आपके थाने। तो आपकी बार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। हाँ, थैंक यू। जब देखो रोती रहते हो, रोत रुक गई। गजब की रेख लोग थे भाई, आए खुद बक बक करके खुद चले गए। चलिए संतोष जी। चीते तू जा, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं आती हूँ। ठीक है संतोष जी। एक तरफ करिश्मा सिंह एक अनजान उर्मिला के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है ताकि वो हमारे हत्यारों तक पहुंच सके, और वहीं हम हैं जो उन्हें सच तक नहीं बता सकते कि हम ही हैं उनकी मैडम सर। देखिए कब से खाना सामने रखा है, एक निवाला तक नहीं खाया उसने। सुनो बहुत हुआ तुम्हारा, तुम समझ रही हो हमारी बात को? जितना संयम हमको रखना था हम रख चुके हैं वो संयम, और संयम हम नहीं रख सकते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। बहुत हुआ तुम्हारा ये लल्लो चप्पो और कुछ नहीं। तुम एक बात बताओ, तुमने उन 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 आदमियों को देखा जिसने तुम्हारा अपहरण किया? तुम हमें आराम से, तुम हमें बताओ, तुम्हारा हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाएंगे, उनका स्केच बनवाएंगे, उनके जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे, काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म, दफा हो जाओ। फिर तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर वहीं रहना, तुम जा रहती थी अपना बड़ा पाव चलाती थी। मैं भी कोई मरे नहीं जा रही इधर रुकने के वास्ते, मेरे को भी कोई शौक नहीं तुम्हारी ये जज्बात के चक्कर में खुद को शहीद कर देने का, कर लगा, मैं भी जा रही इधर से, कर लो तुमको जो करने का है। ढोलकी किसी और की, घोड़ा किसी और का, बारात किसी और की, डोली मेरे सर पे। आप भी थोड़ा तो संयम रखिए ना, बेचारे ने कुछ खाया नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, थोड़ा तो चलिए उसको समझाते हैं, चलिए। हमने अपने ही महिला थाने की सदस्य करिश्मा सिंह पर शक किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम सर क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। जय हिंद सर। जी सर, जय हिंद। उर्मिला दरवाजा खोलो, ये क्या बचपना है, खोलो खोलो दरवाजा। पुष्पा जी समझाइए इसको, जितना जल्दी हमको स्केच मिलेगा उतना जल्दी हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे। उर्मिला दरवाजा खोलो और हमसे बात करो ना, आओ उर्मिला। हम ऐसे हालात में आप सबका सामना नहीं कर सकते, हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे। छोटा था, एक ने जैकेट पहन के रखी थी और ना दूसरे के पास बहुत गंदी बास आ रही थी। फिल्मों के वो विलन होते ना, उसके माफिक सवाल पूछ रहे थे मेरे को। हमारी बात हुई उर्मिला से, उसने बताया कि उन गुंडों ने मास्क लगा रखा था मगर किसी डिस्क की बात कर रहे थे। हमें लगता है मैडम सर के पास ऐसी कोई डिस्क थी जिसकी वजह से मैडम सर की जान चली गई है। बस एक बार वो हमें डिस्क मिल जाए ना, हत्यारे अपने आप सामने आ जाएंगे। ये क्या डिस्क हो सकता है और क्या हो सकता है इस डिस्क में? अब एक बार हाथ में आ जाए तो पता चलेगा ना। वैसे हमें ये सब कुछ उर्मिला की वजह से ही पता चल गया है, उसी की वजह से हमें ये सुराग मिला है। एक बात कहें,
आपको इतना सुनाना नहीं चाहिए था उर्मिला को। आप क्या चाहती है? अभी अभी तो आई है वो, चुटकी बजा के वो मैडम सर कैसे बन जाएगी? कोशिश कर रही ना फिर भी वो, थोड़ा तो समय दीजिए उसे। एक बात कहे, दिक्कत ये नहीं है कि वो मैडम सर नहीं बन पा रही, दिक्कत ये है कि आप उसमें मैडम सर को देख रही है पहले दिन से। और जब वो मैडम सर की तरह बर्ताव नहीं कर पाती तो फिर आपको ये सच मानना पड़ता है कि ये तो उर्मिला है, ये मैडम सर नहीं है। और इस सच को मानने के लिए सबसे पहले आपको उस बात को मानना पड़ेगा जो आपका मन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। और अपनी इस बात का बदला आप बेचारी उर्मिला से ले रही हैं। है तो वो उर्मिला महादेव मात्र ही ना, उसे क्यों हर बात के लिए दोषी मान रही हैं आप? इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? बाय बोलने के लिए आई थी मैं खाली, बाय। एक मिनट रुक, वो हम सबको छोड़ के जा रही है वापस। आपको भौंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं तो कहती हूँ माफी मांग लो, प्लीज माफी मांग लो, खोल दीजिए। देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, करिश्मा मैडम कुछ बात करना चाहती तुमसे, बात कीजिए। कीजिए। ये कहना चाहते हैं तुमसे कि सॉरी। सॉरी का रे? सॉरी 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 प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी। बोलिए बोलिए। सॉरी प्लीज उर्मिला जी। थोड़ा हाथ वाथ जोड़ेगी तो मस्त लगेगा। हम हाथ जोड़ते ना। ठीक है छोड़ छोड़, माफ किया तो। ए दर दर की बखते का है माझ्याकडे। क्या क्या करना क्या चाह रही है? थाम थाम, हाथ दे। देख अभी कल तू मेरी रक्षा की कि नहीं, तो आज से ये अपना रक्षा बंधन। का है ना कि उर्मी को उसकी रक्षा करने वाला कभी कोई मिला ही नहीं। हाँ अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो नक्की तेरे जैसा एकदम सॉलिड दबंग। इनके भैया से नहीं मिले ना आप अब तक? बिल्कुल इन्हीं की तरह एकदम सॉलिड दबंग। हाँ क्या? नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। किधर है किधर है किधर है? सुनो अभी सॉरी बोल दिया ना तो फिर? तो फिर तो कपड़े जाकर बदलो जाओ। ए तटक चंदनी काय वाटतं तुला, मैं क्या मुंबई जाने के लिए इतना तैयार हो क्या? चाचा बिल्कुल नहीं। मातारी आज क्या है? संडे है ना मातारी? हां आइटम संडे के दिन काम भीम करने का नहीं, आज हसीना मलिक को पैक करके डालो अंदर और उर्मिला मात्री निकलेगी बाहर और देखेगी तुम्हारा लखवा। लखनऊ लखनऊ मॉल जाएगी, पिक्चर देखने जाएगी। पिक्चर? वेरी गुड। ये देख ये मैं काले कौवे बिल्लू को बोल के मस्त टिकट भी मंगाई है, वो तो पिक्चर है ना वो। आ क्या मजा आएगा। नहीं ए तुम तीनों में से कोई चलता क्या मेरे साथ? जान दो वो चिकना है ना उसको बुला, उसको लेके जाएगी मैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम? काय के लिए? काय के लिए? काय के कि तुम हसीना मलिक हो और जब तक तुम हसीना मलिक हो तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे को जाने का है। उर्मिला तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं जा सकती हो तुम बाहर, समझो बात को। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन हमलावरों को दोबारा हम पर हमला करने का मौका कैसे मिलेगा, और जब तक वो पकड़े नहीं जाते पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है?
माँ, मेरे को जाना है। वो काला का वो बिल्लू तेरे को ऐसे ही पटाता है ना जाने को? ए क्या रे, तुम लोग का कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? और इधर इधर थाने में बैठा के करने का क्या काम? क्या इधर करे क्या मैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज भाभी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाभी बेकार बदनाम मुझे, भाभी प्लीज आप मेरी बात समझिए। देवर जी नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी, हट जाइए मेरे रास्ते से। आज तो मैं कंप्लेन करके रहूंगी। मैडम जी, हमारा कलेवा फिर से चोरी हो गया। वारे देवा विठला, बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही थी, ये तो ऑफिशियली रास्ता मिल गया। हेलो हेलो हेलो, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखो। हम हैं SHO हसीना मलिक और हम आपकी इस केस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। हम ढूंढ लेंगे आपके केलवा चोर को, ढूंढ लेंगे हम लोग। चलो साथ में मिलके तफरी करते हैं। तफ्तीश तफ्तीश तफ्तीश, साथ में मिलके तफ्तीश करके आते हैं। बिल्कुल नहीं। सीनियर कौन? आप मैडम सर। तो डिसीजन किसका? आपका मैडम सर। तो सीनियर के डिसीजन में अड़ंगा लगाने का नहीं। कर लगा, मैं बोली जा रही है मतलब जा रही है। ओके चला। मैडम प्लीज FIR मत लिखिएगा, बेकार में परिवार की बदनामी हो जाएगी। बिना FIR के जो करना है वो कीजिए, बस कानून के पचड़ों से दूर रखिए हमें, वरना हमारी दुकानी मेहमान। बस 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 बस, कर लो, समझा मेरे को। आप टेंशन मत ले, हम FIR हम नहीं बनाएंगे, हम अब बाहर से मांडोली कर देंगे ना। हाँ। वैसा भी ऐसा छोटा मोटा उठाई गिरी के लिए अपन अकेला ही काफी। चलिए। ये उर्मिला तो अपना धूम में रहेगी, पर अगर मैडम सर के कातिल इस तक दोबारा पहुंच गए तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें कुछ करना होगा। ये लीजिए पुष्पा जी, लड्डू, नमकीन, तिल के लड्डू सब रख दिया। हद है, जिंदी चोरी की हद है। कलेवा कौन चोरी करता है भाई? बेचारी वृंदा, अभी दो ही तो महीने हुए शादी हो गई है उसकी, उसका पति भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है और यहाँ ससुराल में उसका कलेवा चोरी हो गया, बताओ। ऊपर से हमारे समाज का ये दकियानुसी सोच कि अगर नई ब्याहुत दुल्हन अपने ससुराल में जाकर थोड़ा बहुत खा ले तो ससुराल वाला लोग को लगता है कि वो असभ्य है, संस्कृतिहीन है, पेटू है ना, उन लोग का नाक कट जाता है पूरा रिश्तेदार लोग के सामने। लेकिन वहीं उनका बेटा अगर पूरा जमाना खा के पचा जाए ना, डकार भी ना ले पेटू कहीं का, तो भी लगता है कि नहीं हमारा बेटा तो बड़ा मासूम है, बड़ा प्यारा है। लेकिन इन सबसे परे है हमारा परिवार संतु जी। हमारा परिवार अपनी बहू को ना एकदम सराखों पर बैठा कर रखता है और हम भी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये तो रस मेहनत जीते और कौन इसे किस तरीके से लेता है ये तो हर एक की सोच पर निर्भर है। अब देखो ना, तुम्हारी लाडली करिश्मा मैडम, हमारी बहू रानी, वो भी तो लाई थी अपने मायके से इतना भर भर के कलेवा, नमकीन, गजक, रसगुल्ले, पता है तुमको कितना मन किया था हमारा खाने का। लल्ला के पप्पा वो तो हमें बोल भी रहे थे कि चुपके से कोने में जाके थोड़ा सा खा लो। हाँ, तब तो पूरा चाट गई होंगी। हमने हाथ तक नहीं लगाया उस कलेवे को। हमको तो नहीं लगता है कि आप करिश्मा मैडम कलेवे में से बिल्कुल कुछ खाए ही नहीं होंगे, क्यों संतु जी? संतु क्या हुआ, ऐसी बोराई क्यों खड़ी हो? नहीं अब वो हर वक्त थोड़ी ना बकबक कर सकती हूँ पुष्पा जी, कितना सारा काम बाकी है, अब कितना ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे हम। संतु जी बताइए आपका कौन सा काम बाकी है, हम है ना पूरा मदद करने के लिए, चलिए काम निपटा। तुझे बोला मैंने। संतु जी सॉरी चीते, मैं तू कर तेरा काम, मैं अपना करूंगी। ठीक है। इसे क्या हो गया? पता नहीं क्यों उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। हम क्या कर, हम कुछ नहीं किए हैं। उर्मिला का फोन? हाँ बोलो। हाँ बोलो, का इस तरह सीनियर है मैं सीनियर। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैडम सर बोलिए। हाँ जी बोलिए मैडम सर। हाँ ये हुई ना जूनियर वाली बात। अता एक कलेजा तैयार है? कलेवा। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ गुजिया, तिल के लड्डू, नमक पारा, टिकरी, खाजा, सब कुछ। हाँ मैंने सब रख दिया है। अब ये आइटम सुन, कलेजे में और एक आइटम रखने का है। क्या रखना है? कर ला,
क्या पगला गई? क्या क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे? कलेजा चोर पकड़ने का है कि नहीं? कलेवा चोर? अरे अभी तो मेरे जुबान का लोबान बाद में जलना, मैं जो बोल रही पहले वो कर। हाँ ठीक, मगर ऐसे कैसे? हम सीनियर कौन? मैं ना, तो मैं जो बोल रही है वो चुपचाप करने का, ये बेस्ट आइडिया है कलेजा चोर को पकड़ने के लिए, समझ गई? मुंडी मत हिला, मुंह से बोल, फोन पे है मैं। हाँ हाँ समझ गए। हाँ अभी जय हिंद बोल। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। क्या है तुम्हारा? टिक 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 बात कर रहे हैं ना, बताएंगे ना हम तुमको सब कुछ। लाउड स्पीकर पर रख देती, हम खुद जान जाते। ये क्या बोल दिया उर्मिला ने हमें करने के लिए? कहीं उनका ये प्लान हम पर ही ना उल्टा पड़ जाए। ये लीजिए मैडम कलेजा। आली आली आली, ए रुको रुको रुको, मेरे को भी देखने का है। ए क्या मस्त कलेजा है रे, भारी है। क्या हुआ? किसको? तुमको पूछ रहे ना। कुछ नहीं, वो रात को बस नींद ठीक से नहीं आई इसलिए। क्यों, क्या कर रही थी? ध्यान रखो ना संतू अपना, सोया करो, नींद पूरा किया करो ना। हाँ हाँ मैं जाऊँ? जाओ। ये लगाओ कान पे। ए थैंक यू, कितना ध्यान रखती तू मेरा। मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से वो जो बड़ा चश्मे वाला है ना, उसका गाना नहीं सुना, वो एकदम दुफचिक दुफचिक वाला। ये तुम्हारा गाना सुनने के लिए नहीं है तो? ये इसलिए है ताकि हम तुम्हारे संपर्क में रहे। ये क्या अभी तू कान में भी किचकिच करेगी? हाँ किचकिच करेंगे और तुमको बताते रहेंगे कि कब कहाँ और क्या बोलना है, ताकि तुम बवंडर ना मचाओ। ए चटक चांदनी, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। और मैं तेरे को बता रही हूँ, ये महातारी ने ऐसा क्या मस्त एक नंबर कलेजा बनाया है। क्या आवाज आ रही है रे, इसको देख के 100% गारंटी वो चोर आएगा। नक्की मैं लिख के दे रही तेरे को। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? नहीं, ये तुम्हारी ये जो बिल्ली जैसी आंखें हैं तभी चमकती है जब तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात चलता है, हमको मालूम है। खुराफात का दूसरा नाम है उर्मिला महादेव मात्री। और मैंने कोई खुराफात नहीं कह रहे, मेरी आंखें ही जैसी है बिल्ली की जैसी, ऐसी चटकीली। अभी जाओ। इस बार तुम कोई गड़बड़ कर भी नहीं सकती उर्मिला, क्योंकि तुम्हारे तक पहुँचने का ना हमने बहुत बढ़िया वाला इंतजाम किया, तुमको पता भी नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। ए मेरे को एक बात बता, उस दिन वो जब गुंड लोग मेरे को उठा के लेके गए थे, तेरे को कैसे मालूम गिरा कि मैं किधर है? हाँ संतू के वजह से, उसने तुम पे ट्रैकर लगा के रखा था जिससे हमें पता चल गया कि तुम किस लोकेशन पे हो। हमें हमारे स्टाफ के नकारे दक्षता पर बहुत गर्व है, सबको अपना काम बहुत अच्छे से आता है। अगर वो नहीं लगाती तो फिर कैसे पहुंचते तुम तक? हाँ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से वो आदमी डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी है, और वो आदमी तुम्हारे थाने में से ही कोई है। कहीं संतोष ही तो नहीं सबके पीछे? वो खुद साइबर एक्सपर्ट है, उसके लिए मीरा को ओवरराइड करना आसान होगा। नहीं नहीं, बच्ची है संतोष, इम्पॉसिबल। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? और सुनो तुम याद रखो, हाँ तुम दुनिया के लिए अभी भी हसीना मलिक ही हो। अब तुम यहाँ से सीधा जाओगी, राइट में उनके घर पर जाओगी, मार्केट में बिल्कुल टाइम पास नहीं करोगी, समझी? किधर जाने का था, लेफ्ट की राइट? ए चटक चांदनी आई। मैं जानती हूँ सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अब तक मुझ पे किसी को भी शक नहीं हुआ है। होना भी नहीं चाहिए, तुम जानती हो अगर किसी को ये बात पता चली तो क्या होगा, हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, और मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम तो खत्म ही समझो। ये संतोष शर्मा किससे बात कर रही है और किस मुसीबत का जिक्र हो रहा है? मैडम आप यहाँ पे रुकिए, अंदर चलिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चल रही है ना, चल। अम्मा बताओगी भी क्या चल रहा है वहाँ पे? थाम थाम सबर पकड़ बताती सब। जी कुछ कहा आपने? हाँ वो नहीं नहीं, मैं बस बता रही थी कि मैं कौन हूँ। सासू माँ, ये है हमारी दोस्त हसीना। हसीना जी ये है हमारी सासू माँ। नमस्ते। और ये है हमारी छोटी ननद शीला, और ये है हमारे देवर जी नुकुल। हेलो। अब तो कैसे आना हुआ हसीना जी? अरे वो हम हाँ वो हम इनकी अम्मा ने मम्मी ने भेजा है आप लोगों के लिए।
कलेजा। कलेवा। कलेवा। यही तो बहुत अच्छी बात है, माँ के हाथों का स्वाद जैसा स्वाद और कहाँ मिलता है। हम भी चख लेते अपने संबंध के हाथों का स्वाद। पर ये सब हम कहाँ खाते हैं? अपनी सहेली को कुछ चाय वाय पिलाई की नहीं? अरे बैठो 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 बैठो, मैं ले आती हूँ बना के। आजा बेटा। हाँ। आजा। मस्त कड़क अदरक डाल के। हाँ हाँ। सुनो उर्मिला, सबने डब्बा छू लिया है ना? बहुत बढ़िया बात है, अब सबका फिंगरप्रिंट उसमें से साफ कर दो और उस डब्बे को वृंदा को दे दो, समझ गए? ओके, हो गया। चाय लीजिए। ये लो हसीना। हाँ, जी जी। चाय। शुक्रिया। बेटा इसे ले जाना और ध्यान से ना इसे अपने कबड में रख देना और ताला लगा देना। तुम तो वैसे भी अपने कमरे में रहती हो और तुम्हारे रहते इसे कौन हाथ लगाएगा? जी सासू माँ। माँ। बहुत बढ़िया, अब ये कलेवा चोर जो है ना वो अपना कारनामा जरूर दिखाएगा, देखना जो हमें पता है 100% दिखाएगा। अब फिर आ जाएंगे उसकी फिंगरप्रिंट्स और हम उस तक पहुंच जाएंगे। इसकी मैया का सासू मैया। वृंदा, हमें जो है आपका शहर देखने का बहुत मन कर रहा है, तो ये आपके देवर हमें ले चलेंगे? जरूर नकुल भैया, चलिए ना। जरूर जरूर, आपके मेहमान हमारे मेहमान। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा प्यारा लखनऊ। चलिए चलिए। जाओ। ये हरट मतलब थोड़ा धीरे धीरे खाइए ना, आराम से खाइए, हमें भी खाना है। नहीं एक्चुअली माँ खाने नहीं देती ना, तो बहुत कम खा पाती हूँ, इसलिए आपकी वजह से टेस्ट करने मिला। अरे रे, मखा मखा खाओ खाओ, आराम से खाओ। दादा मुझे भी। उम्मीद है उन हमलावरों को पता होगा कि हम यहाँ हैं और वो आसानी से हमें निशाना बना सकते हैं। शायद संतोष नहीं, नहीं नहीं संतोष नहीं, वैसे भी उन्हें पता ही होगा कि हम किस वक्त कहाँ होते हैं। वो हमलावर हम पर हमला करें तो बात आगे बढ़े। जी बहन जी, कुछ काम था आपको मेरे से? नहीं नहीं माफ कीजिए, हमें लगा कोई और है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर जाऊं। जी जी जाइए। अरे छटक चांदनी, ये मेरे को लगा कि ये वही है, वही वाला गुंडा जो मेरे को उठा के लेके गया था। तो अरे मैं चेक कर रही थी, तुम लोग की मदद कर रही थी मैं। तो दूर रहो ना इन सब से, जितना कहा जा रहा है तुमसे तुम उतना ही करो ना उर्मी। फालतू इन चक्कर में पड़ोगे तो जान से जाओगे, हमारी बात को समझो तुम। अब जाओ जाके वो फैमिली वाले वहां खड़े जाओ, उनके साथ खड़े जाओ, जाओ अभी जाओ। ए चटकता नहीं, मैं पहले ही बोली थी हां मेरे से ठीक से बात करने का, डील हुआ है अपना, गुलामी नहीं कर रही है मैं तेरी, इसलिए मेरे से बात करने का है ना तो प्यार से बात कर, नहीं जमता है ना तो ऐसा इशारे में बात करेगी तो भी चलेगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुंह खोल के ऐसा सड़ेला कांदे जैसा बात करने की मेरे से। हमारी सीधी आंख भड़क रही है, ये अच्छा शगुन नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब तो लल्ला की शादी के बाद हमारे साथ बुरा होने के लिए बचा ही क्या है, अब तो काल देवता के पास भी हमारा बुरा करने के लिए कुछ बचा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं।
मगर कुछ भी हो सकता है। शिव जी बचाइए हमें, ये भौकाली देवी पता नहीं कौन सा नया भौकाल दिखाने वाली है। क्या हुआ पुष्पा जी? क्या हुआ क्या पूछ रही हैं आप? हमारी आंखें बंद थी, आपकी तो खुली थी ना, आप देख नहीं सकती थी हमारी आंखें बंद, कुछ आके बोल देती ना, इतने डर गए हम, डर के मारे अभी अगर हमें अटैक आ जाता तो। आप हमारा जिक्र कर रही थी। हाँ वो आपको तो पता है ना हमारी आदत है, हम शिवजी के साथ बातें करते रहते हैं, तो हम शिवजी से कह रहे थे कि कैसे हमारे लल्ला की शादी के दिन हमारी बाइयां बाइयां फड़क रही थी और कैसे कि देखो सब कुछ अच्छा 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 ही हुआ। हमारे लल्ला के भात फूट गए। नहीं नहीं फूल के फुदक रहे हैं। टोपा बना रही हैं आप हमें? हमें मालूम नहीं है जब आपका यहाँ आँख फड़कता है तो क्या होता है। आप हमारे खिलाफ पैतरेबाजी करती है, आपको छुपा तो नहीं रही है हमसे पुष्पा जी? ना झूठ मत बोलेगा हमसे, बताइए कहाँ छुपा रही है, बताइए बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। अरे कहाँ हम कहाँ आपसे कुछ छुपा रहे हैं? हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपसे बातें छुपाने के अलावा? पुष्पा जी आपने कोई घपला तो नहीं कर दिया है? वो कलेवा में कुछ तो घपला नहीं किया आपने उर्मी के साथ मिलकर? देखिए झूठ मत बोलेगा हमसे, सच बता दीजिए अभी, बताइए। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, वो जो कुछ भी कराया ना उर्मिला ने कराया, हाँ अपनी सीनियरिटी की धौंस जमा कर हमसे ही करवाया। अच्छा वो उर्मी सीनियर का धौंस आप पे जमा रही थी और कहाँ करवाया बताइए? वो जो हाँ क्या क्या कलेवा है ना, कलेवा का कहाँ बता रहे ना, उसके जो पकवान है उसमें मिर्ची भरा है। मिर्च का आपको कोई भेजा बुद्धि है कि नहीं? वो सीनियर का क्या दोष जमा रही थी आपको, हमको समझ में नहीं आ रहा है? ए चटक सन्नी काय के लिए इतना बम मारती है, जब देखो तब चिल्लाती रहती है। अभी सुन, ये जो मस्त सुपर वाला आइडिया है ना, ये मेरे ही सुपर भेजे से निकला है। मैं ही बोली थी कि ये कलेजा का जितना भी आइटम है कलेवा में, वेरी गुड, इस सारे आइटम के अंदर मस्त मिर्ची मसाला भर के उनको देने का, ताकि जो भी है कलेजा चोर है कलेवा चोर है वो इस आइटम को खाएंगा, उसको जलजला होएगा और हर जगह तन बदन में आग लगेंगी, और वो क्या करेगा, हिचकी। तो जो जितना जोर से हिचकी मारेगा वही अपना कलेजा चोर, कलेवा चोर, वेरी गुड। और वो जो अपना सॉरी वो जो अपना आइटम है ना चिकना, उसको बोली मैं कि मेरे पे नजर रखना जरा बंद कर और इधर इन लोग पे नजर रख, तो वो नजर रख रहा है, थोड़ी देर में अपने को सब बताएंगा। चीता हाँ भैया कौन गाँव? जौनपुर। जौनपुर में मेरी बुआ का ब्याह हुआ है। कहाँ पे जौनपुर में? हाँ बुआ प्रणाम, जौनपुर। हेलो बुआ, हेलो नेटवर्क यहाँ पर खराब है यार, हेलो नेटवर्क नहीं, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक ठीक बुआ। अच्छा गावत अणी वड़ा पावत, ये सांस तो गिरगिट निकली। जी बताइए क्या दिखाना था आपको? क्या दिखाना था आपको? वेट कर रही है, उन्हें पकड़िए, आपको पता चल गया ना कि कौन चोर है कलेवा? बरोबर का बरोबर ना, मतलब घर का मामला है आपकी, अभी अभी शादी हुई है, घर उजड़ सकता है, हसीना मैडम होती ना यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बरोबर कैसी बातें कर रही हैं आप, हसीना मैडम खड़ी है ना आपके सामने, खड़ी है हसीना मैडम। हाँ हाँ वही ना, मतलब हसीना मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी ना कि ऐसा हो, वो कभी नहीं चाहेंगी कि किसी का घर उजड़ जाए, वो पहले तहकीकात करेंगी, पहले पता लगाएंगी कि ऐसी हरकत जो हुई है उसके पीछे का कारण क्या है, काहे आपकी सास ने ऐसा किया, ऐसा ही करेंगी ना आप हसीना मैडम? मूड बदल गया। हाँ तो सही तो कह रही हैं,
हम आपको बताते हैं कि ये सारा काम ना मेरी सास का किया धरा है। मैं सब जानती हूँ, मुझे परेशान करने के लिए ये सब किए, इसीलिए उन्होंने मेरा कलेवा चुराया। एक मिनट, आपके शादी को 2 महीना हुआ है ना? हाँ, 2 महीने ही हुए। हाँ, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी सास आपको सताना चाहती है या आपको पसंद नहीं कर रही है या किसी बात से भी मतलब आपसे पंगा ले रही है, ऐसा कभी कुछ आपको लगा है? या आपके खीर में छिपकली मिला डाली? मतलब मैं पिचकर में देखा है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। अच्छा, फिर भी आपको लगता है कि आपकी सास ने सताना था आपको, इसलिए उन्होंने ऐसा हरकत किया, आपके कलेवा में से सामान चुरा लिया? अगर प्यार करती है तो आप एक बार सोचिए तो सही। उन्होंने ऐसा हरकत करने का कोशिश किया तो कोई तो कारण होगा जिसका हमें पता लगाना है ना। आप मान लीजिए आपकी माँ ने ऐसा हरकत किया होता तो क्या आप उन पर इल्जाम लगाती या पहले ये पता लगाती कि आपकी माँ ने ऐसा हरकत काहे किया, क्या कारण रहा होगा? हाँ, हमें बहुत खुशी है कि करिश्मा सिंह हमारे जज्बात के नजरिए का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जल्द कलेवा चोर को पकड़ भी लेंगी। हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं उनकी? हाँ, तरफदारी नहीं कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं जो हमारे महिला पुलिस थाना का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि इलाज दर्द का नहीं बीमारी की जड़ का होना चाहिए। 100 गुनेगार मर जाए लेकिन घर नहीं उजड़ना चाहिए, ये हमारी मैडम सर का सिद्धांत है। हमारे थाने में आने वाला हर एक केस जज्बातों से सॉल्व किया जाए, गुनेगार जो है उसको डरा कर नहीं बल्कि उसको जगा कर उससे सच निकलवाया जाए, उसको थप्पड़ मार कर नहीं बल्कि उसको थपकी देकर सच निकलवाया जाए। और अब हम ये बात समझ गए हैं। अरे पण मला, मेरे को एक बात बता कि अपने को मालूम है कि जुर्म हुआ है तो फिर फालतू में जज्बात का फुटेज वेस्ट करने की क्या जरूरत है? पकड़ लेते ना उसको, जेल के अंदर डालते हैं, केस सॉल्व। कहा ना हमने, हमारा काम करने का तरीका ये नहीं है मैडम सर, हम घर को बचाते हैं उसको तोड़ते नहीं है, समझ रही हैं आप हमारी बात को? अरे चटक चांदनी, तोड़ना तो अपना धंधा है ना। मतलब हम पुलिस वाले हैं और अगर कोई कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे हम तोड़ेंगे, ये हमारा काम है कि नहीं? मैडम सर आप हमें मत समझाइए कि केस कैसे सॉल्व करना, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अपने तरीका से मतलब जज्बातों से हम केस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, हम पता लगा दें कि आपकी सास ने ऐसा काहे किया। देर आए दुरुस्त आए। का जा बात कर उससे, बता क्या मांडोली करने का है, तुम लोग करो। सुनो, तुम्हें क्या करना है कि तुम नाज़ है आप पर करिश्मा सिंह, बिल्कुल हम वही करते जो आप अभी करने जा रहे हैं। हमारी मौत के नाटक ने बेशक आपका दिल कितना भी दुखाया हो पर आपको वो बना दिया जो हम हमेशा से आपको बनता देखना चाहते थे, बहादुर, समझदारी और जज्बातों के सही संतुलन वाली करिश्मा सिंह। अब देखना यह है कि केस आप सॉल्व कैसे करते हैं। संतू जी, संतू जी इतनी रात को आप? हाँ, यहाँ पर क्या कर रही इतना रात को संतू जी? वो मैं अपना बैग भूल गई थी ना तो वो लेने आई थी, मैं निकली। आपका फोन भी नहीं लग रहा था, कहाँ थी कहाँ? हाँ वो मेरी फ्रेंड आगरा से आई थी तो उसी से मिलने गई थी, पिंकी नाम है उसका, और मेरा फोन जो है वो बैटरी चली गई थी इसलिए तुझे बता नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है, फिर यही बात अब पेट से हाथ हटाकर बोलिए तो जरा। क्या संतू जी, पूरा लखनऊ शहर जानता है कि जब कभी आप झूठ बोलती हैं ना तो इसी पेट पे ऐसे हाथ रखती हैं। क्या छुपा रही है हमसे संतू जी, बोलिए ना, काहे झूठ बोल रही हैं आप? तुमसे क्या हुआ था बताइए। कुछ नहीं हुआ है, ठीक है छोड़ ना, मैं जा रही हूँ। संतू जी मतलब दोस्त मानती है ना आप हमको, भी जानती होंगी कि दोस्ती में झूठ का कोई जगह नहीं होता है। संतू जी देखिए, संतू जी हम आपको ये भरोसा तो नहीं दिला सकते कि आपका जो दिक्कत है आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात का यकीन जरूर दिलाते हैं कि हम आपके साथ खड़े जरूर रहेंगे। संतू जी बताइए हमको क्या हुआ है।
कहाँ इतना परेशान लग रही हैं? बोलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा, पर इस परेशानी से मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। हमको एक बार बताई होती, इतना बड़ा मुश्किल का बोझ अपने कंधा पर लिए घूम रही हैं आप तब से। हम साथ में रहते हैं ना आपके, मदद करते हैं आपका सॉल्व करने के लिए। आई आई आइए हमारे साथ, आई आई। चीते, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर किसी को कुछ भी पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। संतु जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्यों डर रही हैं आप? कौन है यहाँ पर हम दोनों के अलावा? हम लोग ढूंढ लेंगे उसको, आखिर में ढूंढना तो है ना उस चीज को, है? आइए हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, आप ढूंढिए उधर। मैडम सर ने कहाँ रखा होगा? क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों इस वक्त हमारे केबिन में कर क्या रहे हैं? क्या ढूंढ रहे थे? हमें आप दोनों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूं, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है मैंने। जानबूझकर? संतोष शर्मा, अब हम आपको असलियत बताते हैं। नहीं मैडम, मैडम मैडम, इससे पहले आप कुछ भी इससे कुछ गलत समझे ना, हम सच में बता दे रहे हैं कि पिछले साल ना मैडम सर को ना ऑफिसर ऑफ द लखनऊ का अवार्ड मिला था, उसी के लिए उनको एक मेडल मिला था, और वही मेडल ना संतु जी से खो गया है, इसीलिए इतना ज्यादा परेशान है। मैडम सर के जाने के बाद करिश्मा मैडम ने ये काम मुझे दिया था कि मैडम सर का जितना भी सामान है सब मैं अच्छे से पैक करके उनके घर पे छोड़ दूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं लिस्ट बनाऊं, और फिर जब मैंने चेक किया तो वो मेडल ही गायब था, वो मुझे मिला ही नहीं। संतु जी के दूर का भाई जो पुलिस है उसको मदद के लिए बुलाई, वो भी बेचारा खोजा, ये भी खोजी, फिर भी नहीं मिला, और इनको इसी बात का डर था कि अगर ये बात बाहर आ गया उनका नौकरी चला जाएगा। तो ये बात थी, हमें लग रहा था कि संतोष शर्मा हार्ड डिस्क के पीछे है और हम पर हुए हमले में उन गुंडों के साथ थी। बस इतनी सी बात थी? या खुदा, हम तो डर ही गए थे। इधर तो कोई है नहीं, पालू फालतू में मैं हसीना भर के खुदा बदा सब बोल के। अरे मेरे को क्या लगा मालूम कि ये तुम लोग, ये जो मेरा पर्स है ना, इसमें से पैसा बटाने को है। क्या ये पर्स? इसमें मैं ऐसा रोकड़ा रखती है ना, तो मेरे को लगा तुम लोग वो हाथ साफ करने को आए उस पर। ऐसा चोर समझ रही है हम लोग को ये? अरे नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेने का, चलो चलो अभी ढूंढते वो तुम लोग का वो क्या था रे, वो मेडल 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 खोजते हैं हम लोग उसको। हाँ खोजते खोजते, मेडल मिल गया। हसीना का मेडल मिला किसको? और मिला को तो मुझे माफ कर देना मैडम सर, आइंदा आपकी हर याद को अपनी जान से लगा के रखूंगी मैं। I'm sorry मैडम सर, I love you, I miss you। इससे एक बात तो तय है कि संतोष और चीता ना तो हार्ड डिस्क के पीछे थे और ना ही हम पर हुए हमले में शामिल।
अरे तुम्हारी हसीना मैडम बहुत लकी थी रे जो उसको तुम लोग के जैसा प्यार करने वाले लोग मिले। पता है उमरीला जी, असल मायने में भाग्यशाली ना हम लोग हैं कि हम लोग को अपना पूरा जिंदगी में थोड़ा सा भी वक्त हसीना मैडम जैसा शख्सियत के साथ बिताने का मौका मिला। हमको ना अभी भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि हसीना मैडम जा चुकी है। उनके आस पास होने का एहसास लगा रहता है कि मैडम सर यहीं पास में है, हम लोग को देख सकती हैं, हम लोग से बतिया सकती हैं, इसे हाथ पकड़ के छू सकती है, हम लोग को लगता ही नहीं कि गई हूं, लगता है कि क्या। छोड़िए आप बताइए कि कलेवा वाला केस पर कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, आप कुछ आइडिया निकाली कि नहीं मैडम? हाँ, अरे नहीं नहीं मैं मेरे को क्या, वो चटक चांदनी बोली मेरे को कि वो ये केस अभी अपने तरीके से हैंडल करेगी, तो मैं बोला कर। करिश्मा मैडम ने ऐसा बोला? हाँ, सब जानते हैं वो कैसे सॉल्व करती है, वो मैडम सर की तरह सोचती ही नहीं है। करिश्मा सिंह ये केस बिल्कुल हसीना मलिक की तरह ही सॉल्व करेंगी। वो देख चटक चांदनी अपना इंतजार कर रही है। अरे मैं ये प्रेस लेने को आई थी ना। वेरी गुड वेरी गुड, चल फिर तेरे को रास्ते में घर फेंक देते। फेंक? छोड़, घर छोड़ दे। ए, ये तेरा नाइट ड्यूटी है ना? हाँ? मैं रुकू क्या तेरे साथ? घर चलते हैं। नहीं नहीं, इनको रास्ते में फेंकने का आइडिया ठीक है। आप चलिए चलिए। अमन नहीं मिली आपकी जाने मन, जब आपकी जाने मन मिल जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? धन्यवाद। क्या हो गया मैडम, आप ठीक तो है ना? मतलब इतना ज्यादा परेशान लग रही हैं आप। किसी ने एकदम सही बात कहा है जीते, बांस के पेड़ पे आप वर्षा ऋतु का जल डाल दो या तिल मिलाती हुई धूप डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें वो भावहीन और बुद्धिहीन पेड़ जिसमें आज तक मैडम सर का जज्बात घुस नहीं पाया, हमें पहुंचना उसकी सास तक और उसका हृदय परिवर्तन करना उसकी सास का। समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे करें। नहीं, जो इंसान आज तक अपनी पर्सनल सास का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया वो दूसरे की सास का हृदय परिवर्तन कैसे कर पाएगा? इसमें तो असंभव बात है। का मतलब है तुम्हारा? नहीं पुष्पा जी, रोज आपके टिफिन से कुछ ना कुछ चुरा कर खा जाती हैं, आज तक आप रोक पाए का उनको? नहीं ना, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने सास का सूद लीजिए। एक नंबर की चटोरी है हमारी सासू माँ, वो नहीं सुधरने वाली है, बावली हो जाती है टिफिन का खुशबू सूंघ के। वो हमें कागज में भी लिख के दे देंगे ना चीते कि आज के बाद हम आपका टिफिन चुरा कर नहीं खाएंगे, हम तब भी नहीं माँ। माँ टिफिन लेके आओ। अब ये करेगा बवाल, अब पुष्पा जी कभी भी हमारा टिफिन चुरा के नहीं खाएंगे, देखना। आज तो बहुत थक गए, भूख भी लगी है, अब क्या। टिफिन की खुशबू, करिश्मा जी का टिफिन। देख लेते चुड़ैल क्या लेकर आई है टिफिन में। गुजिया मायके से कलेवा आया है। मैडम चलिए, मैडम आपका मरने का इंतजार कर रही है उनके, चलिए चलिए मैडम। पुष्पा जी क्या हो गया आपको? बाप रे, देख ली ना कलेवा चोरी का अंजाम, लग गया बहू का अभिशाप आपको। क्या हो गया पुष्पा? हम पानी लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं। मुड़िए पीका मैडम, सिक्सर मार दी क्या? मतलब चिट्ठी में सब लिखा है, पढ़ी उसको।
हम जानते हैं कि आप ही हो जो रोज हमारा टिफिन जोर से पढ़िए पढ़ रहे हैं ना है। जो हमारे टिफिन का खाना चुराकर खा जाती है और हम जानते हैं ऐसा क्यों है। अब आपको तो डॉक्टर ने तेल चखने से मना किया है हाँ। इसीलिए हमने अपने टिफिन में आपकी पसंद की चीजें बनाकर रखना शुरू कर दिया है वो भी शुगर फ्री और ऑयल फ्री ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। एक बात बोले आप बड़ी है मालकिन है घर की आदेश दीजिए हमको जो भी खाना है जो आप कहेंगे वो टिफिन में भर के रखेंगे। आपको पता नहीं मगर हम तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और बेस्ट फ्रेंड से कैसे चोरी। हमें माफ कर दीजिए आइंदा से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आपके टिफिन पर अपना हाथ बिल्कुल साफ नहीं करेंगे। पक्का पक्का पक्का। पर एक बात का एकदम पूरा संतुष्टि है कि करिश्मा मैडम ना हसीना मैडम का सारा ट्रिक सीख गई। लेकिन नहीं नहीं मगर ये अगर आपका ट्रिक है तो ये तो गुजिया हमने आपके सामने खाई इसलिए हम पकड़े गए ना समझो। अगर ये गुजिया हम कहीं और जाके बैठ के खाते तो आपको थोड़ी ना पता चलता। पॉइंट है ले तो फिर कैसे होगा किशोरी जी का हृदय परिवर्तन। क्या मच्छी मार्केट बना रखा है और तुम तुम्हारा दिमाग बोरा गया क्या टोपा गई हो क्या। मतलब ऐसा आपको मैडम सर इनको इन टोपा लोगों को बोलना चाहिए टोपा गए हो क्या जो छीछा लेतर मचाया हुआ इन लोगों ने वो भी एसएचओ हसीना मैडम के सामने। ए, ये लोग ने पहले लड़ा झगड़ा शुरू किया इन लोग ने पहले। आप शांत हो जाइए। अरे मैडम सर क्या हो गया। नहीं मतलब यहाँ क्या हुआ है हम पूछ रहे यहाँ क्या हुआ है वो बताओ हमको पहले। अरे मैडम सर बोल रही थी कि औरत जो है किससे कम नहीं है हमने मान लिया फिर भी उकसाती रही है। अरे उकसाती रही है हाँ यही। और मैडम सर बोलिए बोले कोई भी मर्द सबको हरा देंगे बस पंजा लड़ने लग गई है और जब इन्होंने पंजा लड़ाया तो हार गई फिर बोली बेईमानी से हराया। अरे खुद कमजोर है दोस्त हम पे जमा रही है। मैडम सर रिसर्च के हिसाब से होती हैं कुछ औरतें कमजोर क्योंकि बचपन से ही उनके खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया जाता है उनकी डाइट पे ध्यान नहीं दिया जाता है उनके पालन पोषण पे ध्यान नहीं दिया जाता है। हम ना आपके बात में कुछ जोड़ना चाहेंगे संतु जी। हट रहे हट इधर आओ संतु जी सब जितना कुछ आप बताए ना सब नया नहीं है ये सब तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। सच में हमारे यहाँ की माए आज भी अपने बेटा सबको ना परात में इसे खाना सजा के उसके सामने लेकर जाती है और वही उनकी अगर बेटी ठीक ठाक खाना खाए ना तो दिन भर उसको कोसती रहती है कि देखो कैसी लड़की है दिन भर चबर चबर करती रहती है खाएगी मोटी हो जाएगी फिर शादी नहीं होगा। और ये सारा खरी खोटी ये सब ताना लड़की की माँ उसको इतना बार देती है ना कि एक वक्त के बाद लड़की खुद से ही मान लेती है कि ज्यादा खाना खाना पाप है। इसका मतलब ये है कि वृंदा की सास भी इन्हीं सब परिस्थितियों से ही गुजरी होंगी उन्होंने भी यही सब झेला होगा। और मैडम सर आपने हमें क्या बताया था वो वृंदा की जो ननद है क्या नाम है उसका शीला शीला के घर में भी कुछ ऐसा ही होता है उसकी माँ जो है किशोरी वो उसको ठीक से खाने पीने नहीं देती है और रात को जो है वो घर का खाना ज्यादा खा नहीं पाती क्योंकि पहले लड़का खाना खाता है फिर जो बचा कुचा होता है वो पूरा पड़ता नहीं है ये सब कुछ बताया था ना आपने। हाँ वैसे कुछ बोली तो थी तो मिल गया हमको युक्ति इस झगड़ा में ना बहुत कुछ सोच के हमको हमको फटाक से वृंदा के घर पे जाना है और इस मामले को जड़ से खत्म करना है। हमें खुशी है कि आखिरकार हम आपको वो समझाने में कामयाब रहे जो हम समझाना चाहते थे। आप बिल्कुल सही जा रही हैं करिश्मा सिंह ये केस सही राह पर है। चलिए तुमको दिखाते हैं कि जब मैडम सर का सोच काम करता है ना तो कैसे सब कुछ बदल जाता है मैजिक हो जाता है। चलिए चलिए पुष्पा जी चलिए चलिए चलो क्यों रही हो ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है। मैंने बुलाया है
लेकिन हम आजी मेरा कलेवा फिर से चोरी हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं भाभी? यहाँ से आपका कलेवा कौन चोरी कर सकता है? ये शीला, शीला ने चुराया है मेरा कलेवा। ये आप क्या कह रही है भाभी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चुराया आपका कलेवा, सच्ची। शीला की जवानी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, नाटक करके पब्लिक सब सच जानती है। कलेजे में मिर्ची मिलाई थी। कलेवे में? वेरी गुड। तो मिर्ची खा के रात भर कौन हिचकिचाता रहा? तू ही ना, सबने सुना। तो फिर कलेजा चोर कौन हुआ? चला हाँ, तो चला। नहीं नहीं, कलेवा चोर वो नहीं, मैं हूँ। किशोरी, अपने ही घर में चोरी, वो भी खाने की, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इन्हें कुछ भी कहने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप इस सब के जिम्मेदार है आप, और पुरुष प्रधान का ये सोच कि लड़का जो होता है वो कुलदीपक होता है और लड़की जो होती है वो घर का अंधेरा होता है। ये जो आपकी दकियानूसी सोच है ना मर्दों की, कि पहले जो है घर में मर्द खाना खाएंगे फिर औरत खाना खाएंगी, औरत के लिए भले ही खाना बचे या ना बचे, वो खाली पेट सो रही है या भर पेट सो रही है, इससे आप लोगों को कोई मतलब भी नहीं होता है। फिर शीला और शीला जैसी हजारों लड़कियां ऐसे मर मर के जीती है। फिर वो ससुराल जब जाती है तो फिर खाना चुराती है, या फिर जब सास बन जाती है तो बहू का कलेवा चुराती है। क्या करेंगी वो? जिंदगी भर वो ऐसी मर मर के जी है, खाली पेट सोई है, तो कहीं तो भड़ास निकालेंगी ना अपनी, तो भड़ास ऐसे निकलती है। समझ रहे हमारी बात को आप? बड़ी आसानी से भूल जाते हैं लोग कि एक औरत का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है, अपनी जिंदगी से किसी और को जिंदगी देती है, इस पूरे वंश को आगे बढ़ाती है। तो घर के लेडीज लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो घर हेल्दी रहेगा ना, इसलिए अपने घर के बेटों की तरह ही अपनी बेटियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक औरत का स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, और तब जाकर शायद एक दिन कभी भी किसी भी घर का कलेवा चोरी नहीं होगा। आप सही कह रही है, जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया था आज वही मैं अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ। अपने ही घर में मैं चोर बन गई हूँ, कल को वो भी सास बनेगी और वो भी वही करेगी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, माफी हमें मांगनी चाहिए। मैडम ठीक कह रही हैं, हम अपनी बेटियों को जैसा पालेंगे आगे वो समाज को वैसा ही तो देंगी ना। आज से हम सब मिल बैठकर एक साथ खाना खाएंगे और कोई भी किसी के लिए भूखा नहीं रहेगा। चलो इसी खुशी में मुंह मीठा करते हैं। जी चलिए। मैं लेके आती हूँ बाबा। नहीं, आज तुम लोग बैठो, आज हम लोग लेके आते हैं। हाँ चलिए बाबा। बहुत 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 बढ़िया खीर थी, अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए, चले। थैंक्स मैम। आपके और आपकी पूरी टीम के लिए मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ये तो बनता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.